और अब बात मोदी के गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात में गुजरात के विकास का गुणगान करते हैं, लेकिन उनके गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। यह खुलासा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। सीएजी के मुताबिक राज्य में हर तीसरे बच्चे का वजन औसत से कम है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूरक आहार प्रोग्राम के लिए 223,14,000 बच्चे योग्य थे, लेकिन इनमें से 63,37,000 बच्चे ही छूट गए। आपको बता दें, लड़कों के तुलना में लड़कियों की हालत और भी खराब है, ऐसा कहती है कैग की रिपोर्ट। लड़कियों के पोषण कार्यक्रम में 27 से 48 फीसदी तक कमी देखी गई है। सीएजी की रिपोर्ट गुजरात विधानसभा में गुरुवार को रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 1,87,00,000 लोगों को ICDS यानी कि बाल विकास योजना का फायदा नहीं मिल पाया है। ये योजना बच्चों को कुपोषण से बचाने का काम करती है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं को निशाना बनाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 से 40% केंद्रों में साफ पानी, टॉयलेट और इमारत की सुविधा नहीं है। सीएजी के रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में 75,480 आंगनवाड़ी केंद्रों की जरूरत थी, जबकि केवल 52,137 केंद्रों को ही मंजूरी दी गई है, जिनमें से 50,225 ही काम कर रहे हैं। सीएजी की ताजा रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता कि गुजरात में सब कुछ अच्छा है। तो विकास पुरुष अपने आप को बताने वाले नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के विकास के दम पर ही यहां आगे बढ़ पाए हैं और अब सत्ता संभाल चुके हैं यहां पर बीजेपी के बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, अब यहां पर उन्हीं के राज्य गुजरात के विकास पर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल उठाया है कैग की रिपोर्ट ने, जहां पे बच्चों के कुपोषण के यहां पे हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में गुजरात में विकास के दावों की पोल खुलती सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी के विरोधियों का हमला भी अब तेज हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने मोदी के दावों पर सवाल उठाए हैं। मैं समझता हूं कि गुजरात ने जो प्रयत्न किए हैं और गुजरात ने जो कदम उठाए हैं उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। आज गुजरात की औसत, वो आज के आंकड़ों पे अगर देखें तो 4 बच्चों में से 1 बच्चा आती है, जो देश की औसत से आधी है। और मैं समझता हूं इसमें भी जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, गुजरात और प्रगति कर लेगा। और आपको बता दें कि लगातार अब जितने भी विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के, वो इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं और एक मौका बड़ा मिल गया है उनको गुजरात के विकास पर सवाल पूछने का। और गुजरात में विकास के दावों की पोल खुलती सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी के विधायकों को हमले का शिकार होना पड़ रहा है और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने मोदी के दावों पर सवाल उठाए हैं। गुजरात में जो बड़ी खुशी है कि आंकड़े सामने आए, लोगों के समक्ष आए हैं। और यहां तक मैं आपको ये भी बताऊं कि जहां तक ये सांप्रदायिक तनाव का प्रश्न है, उसमें भी गुजरात सबसे खराब 5 प्रदेशों में गिना जाता है। तो सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है वहां, दलितों की हालत खराब है वहां पर, ट्राइबल्स की स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, तो किस बात का वहां पर विकास है? अगर कोई विकास मानव के जीवन को नहीं छूता तो वो विकास नहीं है। हर तीसरा बच्चा जो है वो कम वजन का पैदा हुआ, ये इसी को इसका जिक्र जो है वो सीएजी ने किया है। सीएजी ने जो गुजरात सरकार का जो रिपोर्ट है उसी को आधार बना करके अपना रिपोर्ट पेश किया है। तो ये साबित होता है कि इनके इनका विकास का मंदिर कैसा है और इनके विकास के भगवान जो है किस तरह का है। तो प्रचार करने में तो गोवेल्स के मात करने वाले लोग हैं, ये इनकी असलियत जो है वो यही बताती है। गुजरात की त्रासदी को बाढ़ आ रही है, नरेंद्र मोदी जी को बाढ़ में इंटरेस्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी राज्यों में दौरा करके देश की सरकार को बुरा बुला कह रहे हैं और पार्टियों को बुरा बुला कह रहे हैं, लेकिन अपना घर तो देख नहीं रहे, उनके घर की क्या हालत है। आज गुजरात को उन्हें देखना चाहिए, पहले गुजरात संभालना चाहिए फिर देश संभालने की बात करनी चाहिए। सीजी की रिपोर्ट ने मोदी के उस दावे को एक तरह से झूठा साबित किया है और देश की और पूरे मुल्क के लोग इस बात को पर विचार करेंगे कि गुजरात मॉडल सही है या गलत है। और आप बताते इसी पूरे बवाल पर क्या कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का, आइए जानते हैं।
जहां तक सवाल है कुपोषण का, कुपोषण पे अगर कोई रिपोर्ट आई है तो वो तमाम तरह की रिपोर्टें आती हैं, उन रिपोर्टों की सच्चाई और उन रिपोर्टों में क्या है वो देखा जाएगा, लेकिन जमीन के स्तर पर गुजरात की सरकार हर क्षेत्र में मजबूती के साथ काम कर रही है और मजबूती के साथ लोगों में इस बात का एहसास भी है। अब इसमें हमें कांग्रेस पार्टी को इसका एहसास हो ना हो, ये तो हमें इसकी गारंटी तो हम ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी गुजरात में विकास हो रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।